हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपिडेमोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज़ इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले जनरली इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हेपेटाइटिस डिजीज़ की। तो हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर पार्ट है, अगर लीवर के अंदर किसी भी वजह से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, विच में भी जो कि एक्यूट हो सकती है या फिर लंबे टाइम तक क्रोनिक कंडीशन में रह सकती है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ को हम बोलेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लिवर विच में भी एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। अब हेपेटाइटिस को अगर हम क्लासिफाइड करें, उसके टाइप्स की बात करें अकॉर्डिंग टू कोजेज, तो जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है दो टाइप्स में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉन वायरल हेपेटाइटिस और सेकंड होता है वायरल हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है और वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस डिजीज़ किसी बैक्टीरिया की वजह से कोज होती है, या फिर कोई पर्सन है ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करता है, या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस का इंड्यूस हो रहा है उसकी बॉडी में, या कोई ड्रग्स ली जा रही है, या कोई केमिकल सब्सटेंसेस इंड्यूस किए जा रहे हैं, अगर इन सभी कोजेज की वजह से अगर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ कहलाएगी नॉन वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। वायरस के अलावा अगर किसी और कोजेज़ की वजह से हेपेटाइटिस डेवलप हो रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन वायरल हेपेटाइटिस, जिसके अंदर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लीवर में एनलार्जमेंट या फिर इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, या फिर कोई लीवर को डैमेज करने वाली ड्रग्स ली जा रही है काफ़ी लंबे टाइम तक, या फिर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस बॉडी में इंड्यूस किए जा रहे हैं, या कोई पर्सन है रेगुलरली लंबे टाइम तक अल्कोहल का इंटेक करता है, जिसकी वजह से भी लीवर पे अफेक्ट पड़ता है। तो इन सभी कोजेज की वजह से अगर पर्टिकुलर हेपेटाइटिस लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अब सेकंड हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस कोज होता है वो होता है वायरस की वजह से, जिसको बोलेंगे हम वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। अगर पर्टिकुलर वायरस की वजह से मोस्ट कॉमनली जैसे कि हेपेटाइटिस डेवलप होता है, वायरस की वजह से अगर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, लीवर पे अफेक्ट पड़ रहा है, डिजीज़ कोज हो रही है, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन या डिजीज़ कहलाएगी वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। वायरस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर कोजेज की वजह से लीवर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अगर वायरस की वजह से बॉडी के लीवर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन कहलाएगी वायरल हेपेटाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस होता है। अब हम बात करते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस के अंदर भी जो वायरस के टाइप्स के अकॉर्डिंग डिजीज़ पांच टाइप्स की क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जो हेपेटाइटिस जो वायरस होता है वो पांच टाइप्स का होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है HAV, वो पर्टिकुलर डिजीज़ कोज करेगा, तो उसको बोलेंगे हेपेटाइटिस ए डिजीज़, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो इन्फेक्शन कोज करेगा लीवर में, उसको बोलेंगे हेपेटाइटिस बी डिजीज़। अगर हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से अगर डिजीज़ हो रही है, तो हेपेटाइटिस सी डिजीज़। और हेपेटाइटिस डी की वजह से हेपेटाइटिस डी डिजीज़, हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन कोज होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर वायरस होता है उसके अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ हेपेटाइटिस डिजीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए डिजीज़ की।
ठीक है, तो हिपेटाइटिस ए डिजीज कौन से वायरस की वजह से कोज होगी? हिपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, HAV। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हिपेटाइटिस ए जो वायरस है वो कोज होता है जैसे कोई इन्फेक्टेड वाटर सब्सटेंस है या कोई इन्फेक्टेड मिल्क या कोई फूड प्रोडक्ट है। जब भी कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर यदि इन इन्फेक्टेड सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेस्ट करेगा जो कि कंटामिनेटेड हो रखे हेपेटाइटिस ए वायरस से, फीकस से या फिर सेलाइवा के थ्रू, तो वो बॉडी में इंजेस्ट करेगा तो उस वजह से उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस ए डिजीज़ कोज होती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय द फीको ओरल रूट। जब भी कभी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए डिजीज़ डेवलप्ड है, यदि वो पर्सन फीकल मटेरियल एक्सक्रीट करता है और उससे क्या होता है वो किसी वाटर सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाता है या कोई फूड या कोई मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, यदि कंटामिनेटेड हो जाता है उस फीकल मटेरियल से जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट है, और जब कभी भी कंटामिनेटेड होने के बाद जब कभी नॉर्मल हेल्दी पर्सन उस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को, वाटर सब्सटेंस को, मिल्क प्रोडक्ट्स को, फूड पार्टिकल्स को यदि इंजेस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर, तो इंजेस्ट करने के जरिए उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस ए वायरस इंड्यूस हो जाएगा, एंट्री कर जाएगा और वहाँ पर लीवर के अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा। तो इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं बाय द फीको ओरल रूट। अब इंक्यूबेशन पीरियड की इसकी बात करें तो इसका पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 वीक्स टू 5 वीक्स तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो सॉरी हेपेटाइटिस बी डिजीज़ की। तो हेपेटाइटिस बी डिजीज़ कोज होएगी वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस से। ठीक है, अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है बाय द बॉडी फ्लूड्स के जरिए। ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रांसमिट करेगा अपने बॉडी फ्लूड से, ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाय द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फ्लूड्स ब्लड के अंदर, जैसे कोई निडल्स है या कोई सीरिंज है जो कि इन्फेक्टेड है, उसका इन्फेक्टेड ब्लड प्रेजेंट है और उसका इन्फेक्टेड ब्लड या उसका प्लाज्मा किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा किसी निडल से, सीरिंज से या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए भी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में हेपेटाइटिस बी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है पर्टिकुलर 2 टू 5 मंथ्स। अब बात करते हैं हम हेपेटाइटिस सी डिजीज़ की। तो हेपेटाइटिस जो सी डिजीज़ है वो कोज होएगी बाय द वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस, HCV। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, ये जो वायरस है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, तो उसी तरीके से जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट हो रहा था बाय द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए या फिर कोई इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड सीरिंज या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, ब्लड के जरिए किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 टू 20 वीक्स। ठीक है, अब बात करते हेपेटाइटिस डी डिजीज़ की जो कि कोज होगी बाय द वायरस हेपेटाइटिस डी वायरस, HDV। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फ्लूड्स, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस बाय द बॉडी फ्लूड्स के जरिए एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका जो पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी वायरस का वो होता है 2 टू 5 मंथ्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सॉरी, अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई डिजीज़ की। तो हेपेटाइटिस ई डिजीज़ है वो कोज होएगी बाय द वायरस हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो इज द सेम रहता है किसके, हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस ए जो डिजीज़ थी वो ट्रांसमिट हो रही थी, हेपेटाइटिस जो ए वायरस था वो ट्रांसमिट हो रहा था बाय द फीको ओरल रूट के जरिए। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अपना फीकल मटेरियल एक्रीट करता है, कंटामिनेट कर देता है किसी भी वाटर सब्सटेंस को, फूड प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को,
ठीक है, फूड पार्टिकल्स को। तो जब कभी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन उस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा, तो इंजेस्ट करने के जरिए हिपेटाइटिस ए डिजीज़ या फिर ए वायरस और हिपेटाइटिस ई वायरस, ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना हमेशा कि हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस डी डिजीज़ ये ट्रांसमिट होती है बाय द फीको ओरल रूट के जरिए, और हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस डी डिजीज़ ये ट्रांसमिट होती है बाय द बॉडी फ्लूड्स के जरिए। अब हिपेटाइटिस ई डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 6 to 15 वीक्स। ठीक है, ये एक जनरली इंट्रोडक्शन था हिपेटाइटिस डिजीज़ के बारे में कि हिपेटाइटिस जो डिजीज़ होती है क्या होती है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। अगर हमारे लीवर के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलेंगे हिपेटाइटिस डिजीज़। अब टाइप्स की बात करें तो अलग अलग वायरस के टाइप्स के अकॉर्डिंग डिजीज़ के नाम रखे गए, जैसे हिपेटाइटिस ए वायरस जो कोज करेगा हिपेटाइटिस ए डिजीज़, बी वायरस कोज करेगा हिपेटाइटिस बी डिजीज़, सी वायरस कोज करेगा सी डिजीज़ और डी वायरस कोज करेगा हिपेटाइटिस डी डिजीज़ और हिपेटाइटिस ई वायरस कोज करेगा हिपेटाइटिस ई डिजीज़। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ध्यान रखना हमेशा कि हिपेटाइटिस ए वायरस यानी हिपेटाइटिस ए डिजीज़ और हिपेटाइटिस ई डिजीज़ हमेशा ट्रांसमिट होएगी बाय द फीको ओरल रूट के जरिए। ठीक है, और हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस डी डिजीज़ ये ट्रांसमिट होती है बाय द बॉडी फ्लूड्स के जरिए, एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स की। ठीक है, हेपेटाइटिस के एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो ये जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन डिजीज़ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिमिलर तरीके से देखने को मिलती है इसके केसेस। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस डिजीज़ के, मतलब कि एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें इसके केसेस की तो इंडिया के अंदर हर साल लगभग 4 मिलियन केसेस देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस डिजीज़ के एनुअली। ठीक है, हर साल 4 मिलियन पीपल सफ़र करते हैं हेपेटाइटिस डिजीज़ के एनुअली है। अब ये जो डिजीज़ की बात करें तो कोई भी ससेप्टिबल पर्सन नहीं माना जाता है, किसी भी एज ग्रुप्स को और दोनों जेंडर्स को, सभी जेंडर्स को अफेक्ट कर सकती है सिमिलर तरीके से हेपेटाइटिस डिजीज़। ठीक है, अब इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें तो कहाँ पर ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, तो जहाँ पर जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो जहाँ पर क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जो पुअर हाइजीन वाला, पुअर सैनिटेशन वाले जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपरली क्लियरली वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है, कंटामिनेटेड वाटर की सप्लाई होती है, फीकल मटेरियल एक्सक्रीट हो जाता है उनके अंदर, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं रूरल एरियाज़ में, तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर जिस कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर हेपेटाइटिस डिजीज़ के ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे नॉन वायरल हेपेटाइटिस की, तो नॉन वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली उन पीपल्स के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा देखने को मिली जहाँ पर अल्कोहल का इंटेक जो लोग ज़्यादा करते हैं, लंबे टाइम तक अल्कोहल का इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से नॉन वायरल हेपेटाइटिस लीवर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, या कोई पर्सन रेगुलरली ड्रग्स लेता है या कोई पॉइजनस सब्सटेंस का इंटेक करता है, कोई केमिकल सब्सटेंसेस का इंड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से भी जो हेपेटाइटिस डिजीज़ डेवलप हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो ये जो हम हेपेटाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम है उसको 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है प्री इक्टेरिक फेज, ठीक है, जॉइंटिस से पहले की फेज। इसके अंदर क्या होगा, ये स्टार्टिंग के सिम्टम होते हैं जिसके अंदर रेस्टलेसनेस की कंडीशन दिखाई देगी, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन दिखाई देगी, वहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइटिस, एनोरेक्सिया मतलब कि भूख नहीं लगी लगेगी वहाँ पर, एनलार्ज लीवर, लीवर की जो एनलार्जमेंट होने लग जाएगा वहाँ पर। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं इक्टेरिक फेज की, जिसके अंदर स्किन का जो कलर है वो येलोइश होने लग जाएगा, जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी वहाँ पर, और स्किन पे ईचिंग होने लग जाएगी, स्टूल है वो पेल कलर का, लाइट कलर का दिखाई देने लगेगा, और जो यूरिन है वो डार्क कलर का दिखाई देगा वहाँ पर। पोस्ट इक्टेरिक की बात करें
जॉन्डिस के बाद भी अगर प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, जो हेपेटाइटिस है क्रॉनिक कंडीशन में डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पर लीवर का एनलार्जमेंट होने लग जाएगा, ठीक है। फैटिक रेशलेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अगर आगे जाकर प्रॉपरली हेपेटाइटिस को एक्यूट कंडीशन में ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसके बाद में लीवर सिरोसिस या लीवर एब्सेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है बॉडी में, सीवियर कंडीशन। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके जरिए हम पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीवर के अंदर ये जो प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी के अंदर जो लीवर का एनलार्जमेंट हो रहा है, जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, ये हेपेटाइटिस की वजह से डेवलप हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, जो भी पर्टिकुलर सिम्टम्स है बॉडी के अलग अलग स्टेजेस में, उसके अकॉर्डिंग उसको सिम्टम्स को डिटेक्ट करके हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम बॉडी में सीरम एग्जामिनेशन करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, LFT, यूरिन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर लीवर की बायोप्सी की जा सकती है यहाँ पर। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक मेथड्स थे जिनके जरिए हम पर्टिकुलर डिजीज़ को कन्फर्मली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस को मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की बात करें या इसके प्रिवेंशंस की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर, बैलेंस डाइट। अगर बॉडी के अंदर फ्लूड्स की कमी हो रही है तो IV फ्लूड्स स्टार्ट किया जाता है, मल्टी विटामिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर नोजिया वोमिटिंग वोमिटिंग की कंडीशन रेगुलरली रहती है तो वहाँ पर एंटीमेटिक ड्रग्स दी जाती है। प्रिवेंशन की बात करें तो हेपेटाइटिस के लिए जो इम्यूनाइजेशन है वो उससे प्रिवेंट किया जाता है डिजीज़ को, और जो अगर हेपेटाइटिस बी जो सेक्सुअली जो बॉडी फ्लूड्स के जरिए ट्रांसमिट होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रॉपरली डिस्पोजल होना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर या कहीं पर भी, जो इन्फेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, सिरिंज होती है, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको प्रॉपरली स्टरलाइज किया जाना चाहिए, प्रॉपरली उनका डिस्पोज होना चाहिए, डिस्पोजल किया जाना चाहिए, या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें जो प्रिवेंटिव जो मेथड्स है कॉन्डोम्स है उनका यूज़ किया जाना चाहिए फॉर द सेफर सेक्स, जिससे किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो, डेवलप नहीं हो, ठीक है। और ब्लड ट्रांसमिशन के टाइम पर केयरफुल रहना चाहिए, प्रॉपरली ब्लड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जो भी जिस भी मेथड्स के जरिए हम ब्लड को ट्रांसमिट कर रहे हैं सीरेंस को निडल को, उनको अच्छे तरीके से स्टेलाइज किया जाना चाहिए। तो ये एक जनरली इंट्रोडक्शन था, एपिडेमोलॉजी हमने पढ़ी, एपिडेमोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस डिजीज़, क्या होती है डिजीज़, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से वायरसेस होते हैं, या क्या एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके, या किस डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उसको मैनेज जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, या किस तरीके से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो ये थी हेपेटाइटिस डिजीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एपिडेमोलॉजी में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना। थैंक यू।